हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवम ठाकुर, डायरेक्टर ऑफ इम्पैक्ट एक्सपर्ट्स ट्रेड डिवीजन बाय जीएफए ग्रुप। मैं एक नई प्रोडक्ट रिलेटेड सीरीज लेके आया हूँ आपके साथ। अलग अलग प्रोडक्ट्स, कौन सी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स होती है इंडिया से ज़्यादातर, और वो प्रोडक्ट्स रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो प्रोडक्ट किस टाइप की प्रोडक्ट्स होती है, उसका वो लाइक कौन से फॉर्म में एक्सपोर्ट्स करते हैं, तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन्स मैं आपको अलग अलग वीडियोस में देता जाऊंगा। आज के लिए हमारे सबसे पहला प्रोडक्ट है वो पेरिशेबल्स में है, वो अनियन है। अभी अनियन ऐसा प्रोडक्ट्स है कि वो इंडिया से काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट्स होता है। तो बेसिकली मैं अनियंस के बारे में आपको बताऊँगा कि वो बेसिकली ओरिजिन कहाँ का है, कौन से एरिया से एक्सपोर्ट्स होता है, कौन से टाइप्स के ओनियंस एक्सपोर्ट्स होते हैं, फिर कौन सी कंट्रीज़ में जाते हैं एक्सपोर्ट्स होते हैं, उसके अलावा उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है, दूसरा कि कौन सी कंट्री कॉम्पीट कर रही है ओनियंस के मार्केट्स में, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले अनियंस के बात करें तो अनियन बेसिकली है महाराष्ट्र से जो है नासिक और नासिक के आसपास के छोटे मोटे गांव, बोले तो लासलगांव, तो लासलगांव से काफ़ी मात्रा में अनियन एक्सपोर्ट्स होती है। अपार्ट फ्रॉम अनियंस का अलग अलग इंडिया के अलग अलग रीजन्स में भी काफ़ी अच्छा उसका क्रॉप होता है। देखने जाए तो महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, तो ये सारी जगह के क्रॉप अच्छे होते हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट्स होते हैं। और बेसिकली महाराष्ट्र में से नासिक और नासिक के आसपास की जगहों से काफ़ी अच्छी मात्रा में अनियन एक्सपोर्ट्स होते हैं। अभी मैं बात करूँ को तो किस टाइप के ओनियन माने तो लाइक के ओनियन तो हमारे वहाँ एक ही टाइप का होता है, ज़्यादा रेडिश ना वाइट ना वही टाइप का होता है। पर मैं टाइप बात करूँ तो एक्सपोर्ट्स मार्केट्स में 55 mm यानी उसकी साइज़ जो होती है, मैं एक यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, तो उसका एक छोटा सा टूल होता है, वो साइज़ कैसे उसको उसका कैसे मापते हैं साइज़ को, तो वो 55 mm प्लस की जो भी अनियन होती है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट्स होती है। बहुत सारी कंट्रीज़ में अपना अनियन यहाँ से एक्सपोर्ट्स होता है। यहाँ से मैं आपको कुछ कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि बांग्लादेश है, श्रीलंका है, UAE है, सऊदी अरब है, कतार है, वियतनाम है, सिंगापुर है, मलेशिया है, वो सारी कंट्रीज़ में काफ़ी बल्क में एक्सपोर्ट्स होती है अनियन अपने वहाँ से। ओनियन बेसिकली फुल कंटेनर ही में ही जाता है और वो रिफर कंटेनर्स में ज़्यादा प्रेफर लोग करते हैं, नज़दीकी कंट्री हुई तो ओपन टॉप कंटेनर में जाते हैं, पर बेसिकली मेरा मानना यही है और मैं लोगों को सजेस्ट भी यही करूँगा, रिफर कंटेनर में ही अनियन को भेजना चाहिए क्योंकि मॉइस्चर्स का वो सब प्रॉब्लम बहुत रहता है। तो अनियन का मैश बैग और पीपी बैग्स में उसको पर्टिकुलरली पैकेजिंग किया जाता है और उसको इंडिया का अनियन एक्सपोर्ट किया जाता है। इसमें क्या है कि अनियन का जो टेस्ट है अपना यहाँ इंडियन ओरिजिन का जो टेस्ट है, तो वो इंडियन ओरिजिन का टेस्ट वर्ल्ड वाइड काफ़ी अच्छा, खाने में एकदम बोलने जाए तो एकदम उसमें तिखास और स्वीटनेस काफ़ी अच्छी मिलती है जो बाकी की कंपेरेटिव कंट्रीज में नहीं मिलती है। मैं बोल यहाँ पर आपको ये भी शेयर करना चाहूँगा कि बाकी की कौन सी कंट्री इंडियन अनियन को कम्पीट कर रही है, फिर भी वो अनियंस इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स मार्केट है वहाँ पर इतना ज़्यादा कम्पीट नहीं कर पा रही है। इंडिया के अलावा और बाकी की कंट्री एक्सपोर्ट जो अनियन करती है उसमें चाइना है, इजिप्ट है, पाकिस्तान है, फिर अपना मोजम्बिक है, वो सारी कंट्रीज़ में से काफ़ी अच्छी मात्रा में अनियन एक्सपोर्ट्स करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, पर इंडिया के कंपेरेटिवली वो लोग इंडियन अनियन को कम्पीट नहीं कर पा रहे। उसका बेसिक रीज़न यही है कि अपने यहाँ की या अपना का फार्मिंग जो होता है और अपने यहाँ का जो टेस्ट जो है वो कोई भी कंट्री में कम्पीट नहीं कर पा रहा है। तो बेसिकली अनियन को चूज़ करना एक्सपोर्ट्स के मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, अनियन एक्सपोर्ट्स करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अनियन एक्सपोर्ट्स करने के लिए बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन आपका हो गया या कंपनी फॉर्म आपका हो गया, कंपनी के बिहाफ पर आपने IEC ले लिया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स कोड ले लिया, उसके साथ साथ आपको अपेडा एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड डिपार्टमेंट जो है वहाँ से आपको RCMC लेना पड़ेगा।
तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अनियन को और कौन से फर्म में अपने यहाँ से एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे, तो अनियन ज़्यादातर फ्रेश ज़्यादा जाते हैं। बाकी की अलग वाइट कंट्रीज़ की बात करें तो अपने यूरोपियन रीजन है, यूके है, यूएस है, वहाँ पर डिहाइड्रेटेड ओनियन और ओनियन फ्लेक्स ज़्यादा जाते हैं। यहाँ पर ओनियन के जो भी अनियन फार्मर है तो वो लोग क्या करते हैं कि जो भी डिहाइड्रेट प्लांट वाले जो मैन्युफैक्चरर्स जो लोग हैं उनको अनियन दे देते हैं, और वो लोग डिहाइड्रेट करके पूरा प्रोसेस करके अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग कोने में वो लोग एक्सपोर्ट्स करते हैं। उसका मार्केट भी काफ़ी अच्छा है। अनियन का फ्लैक्स बना के और डिहाइड्रेट करके उसको लॉन्ग टाइम तक उसको प्रिजर्व करके लाइक 1-1.5 साल तक वो चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। और मेन चीज़ ये है कि इंडियन ओनियन जो है उसका डिहाइड्रेट करने के बाद और फ्लैक्स बनाने के बाद सेम ही टेस्ट रहता है, कुछ ज़्यादा टेस्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ भी अपने कर सकते हैं और डिहाइड्रेट ओनियन और ओनियन फ्लेक्स को भी एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आज के लिए जो मेरा जो ये आपका प्रोडक्ट रिलेटेड ओनियन रिलेटेड था उसके लिए इतना इन्फॉर्मेशन है। आगे और भी वीडियोस में मैं अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देता जाऊँगा।